सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दूध जर्म हमारे पास होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो बच्चों, दूध जर्म जो होता है ना, इसमें बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है हमारे पास इनेमल ऑर्गन, ठीक है, इसको हम भी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसके भी आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है डेंटल पैपिला, ठीक है, और एक हमारे पास होता है डेंटल फॉलिकल। बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिफरेंशिएट हुई भी होती हैं, लेकिन अभी हमने नाम इनको इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि ये फ्यूचर पे जाके क्या बनाएंगे ये चीज़ें, उस चीज़ पे ये डिपेंड करते हैं। अब फर्स्ट करें, चूँकि हमने बात करनी है बर्ड स्टेज की, ठीक है, तो हम बर्ड स्टेज इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बर्ड की तरह था। अच्छा, एक और मॉडल बात, कि अब याद रखिएगा कि मैं सिर्फ तो जर्म बनाऊँगी और ये सब कुछ पूरा नहीं बनाऊँगी, ठीक है। तो अब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ तो जर्म की। आई होप आप इसको अच्छी तरह इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने यहाँ से तुर्जम किस तरह बनाया है, उसके अंदर का ही पोर्शन बनाया हुआ है कि ये सिंग डाउन हुआ है। तो इट्स लाइक अ बर्ड, ये एक बर्ड की तरह है। अब चूँकि ये बर्ड की तरह है तो इसके सराउंड क्या होगा, हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स होंगे। अभी मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं वो इतनी अच्छी तरह डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते। इनेमल ऑर्गन कहाँ पर होता है? इनेमल ऑर्गन हमारे पास यहाँ मौजूद होगा, इस बर्ड शेप को जो मैं कह रही हूँ, बर्ड शेप है तुर्जम के अंदर, ये हमारे पास इनेमल ऑर्गन है। और ये इनेमल ऑर्गन जो है वो बर्ड शेप का बना हुआ है, और इसके अराउंड जो यहाँ का हमारे पास मेसेनकाइमल है, मेसेनकाइमल सेल्स हैं, उनको मैं कह रही हूँ डेंटल पैपिला, सही है। और जो ये साइड वाले सेल्स हैं उनको मैं कह रही हूँ डेंटल फॉलिकल, ठीक है। अब आप लोगों को याद होगा कि जब हमने डेंटिन या सीमेंटम ये पढ़ाए थे मैं आपको, तो मैंने आपको बताया था कि उनको उनकी फॉर्मेशन, उनकी ओरिजिन, वो कहाँ से ओरिजिन होते हैं। तो डेंटल पैपिला जो है वो फ्यूचर में जाके हमारे पास क्या बनाता है, डेंटिन और पल्प, जबकि डेंटल फॉलिकल जो है वो हमारे पास फ्यूचर में जाके सीमेंटम, पीडीएल और बोन बनाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनेमल ऑर्गन की, ठीक है। इनेमल ऑर्गन में हमारे पास देखें, इस तरह हमारे पास चार लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये अब मैं आपके सामने बना रही हूँ इनेमल ऑर्गन। इसकी जो ये वाली लेयर होती है इसको क्या कहते हैं हम, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड है, डेंटल लेमिना के नीचे की तरफ है, सही है, एपिथीलियल के सबसे नीचे वाले हिस्से में। एपिथीलियल के नीचे क्या होगा, मेसेनकाइमल सेल्स ना, लेकिन एपिथीलियल और मेसेनकाइमल सेल्स के बीच में क्या होती है, हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इनेमल ऑर्गन की इनर मेम्ब्रेन है, तो इसके नीचे हमारे पास क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर इसके नीचे क्या होगा हमारे पास, डेंटल पैपिला, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे वाले सेल्स जो हैं वो हमारे पास डेंटल पैपिला होते हैं। ये हो गई हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास एक लेयर आती है स्टिलेट रेटिकुलम, फिर एक लेयर आती है स्ट्रेटम इंटरमीडियम, और ये इससे आउटर लेयर, तो हम इसको आउटर एपिथीलियम ही कहते हैं, आउटर इनेमल एपिथीलियम, और इसको इनर इनेमल एपिथीलियम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनेमल ऑर्गन है ना, आपको पता है कि इनेमल ऑर्गन का मतलब क्या है, कि इनेमल ही बनाएगा, ठीक है। और इनेमल के नीचे डेंटल पैपिला है, तो ऑफ कोर्स डेंटिन और पल्प, और चूंकि साइड में फॉलिकल्स हैं तो सीमेंटम, पीडीएल एंड बोन। यहाँ से आपको थोड़ा जो है एक नक्शा बन रहा होगा जहन में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, देखिए ये सारी चीज़ें जो इनेमल ऑर्गन की है ना, ये एकदम से नहीं बन जाती, ठीक है। ये सारी बर्ड स्टेज में मौजूद नहीं होती। बर्ड स्टेज में हमारे पास सिर्फ आउटर और इनेमल एपिथीलियम होती। जैसे जैसे हमारे पास स्टेजेस फर्दर प्रोसीड करती जाती है ना, हम कैप स्टेज पाते, फिर हम बेल स्टेज पाते, तब ये चीज़ें जो है, क्योंकि सेल्स पॉलीफ्रेट होते हैं, सेल्स माइग्रेट होते हैं, तो ये चीज़ें जो है ऐसे ऐसे बनती जाती। मैंने अभी आपको सिर्फ इनेमल ऑर्गन का एक स्केच बताया हुआ। इनेमल ऑर्गन यहाँ मौजूद तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये चारों की चारों लेयर अभी मौजूद हों। कि देखें, ये जो होती थी हमारे पास एपिथीलियम, और ये जो है इस तरह अंदर इमेजिनेट करके जो है एक बर्ड बनाती है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि इसके बराबर जो है वो मेसेनकाइमल सेल्स थे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये इनेमल ऑर्गन है, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ हुआ, इसके सेल्स जो है वो अभी डिफरेंशिएट हुए ना, यानी ये अभी ऐसा होगा कि यहाँ पे बस ये सेल्स जो है एक सेल का ओवॉइड मास है, ठीक है, जिसको हम बर्ड कह रहे हैं। और इसके अराउंड जो है वो मेसेनकाइमल सेल्स है।
यहाँ पे जो है हमारे पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है अभी, क्योंकि हमारे पास डिफ्रेंसीशन हो रही है बर्ड स्टेज पे। अभी तक हमारे पास कोई सेल डिफ्रेंसीशन, कोई हिस्टो डिफ्रेंसीशन नहीं हुई होती। और दूसरी बात कि यहाँ पे ग्लाइकोजन का कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अभी जो है हमारे पास इनेमल ऑर्गन की कोई लेयर जो डिफ्रेंशिएट नहीं होती, सिर्फ सेल्स होते हैं जो हमारे पास इनेमल एपिथिलियम और आउटर इनेमल एपिथिलियम के होते हैं। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई। अब हम कैप स्टेज में इसको फर्दर पढ़ेंगे कि किस तरह ये सेल जो है वो अपनी जगह पर आते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, और इसी तरह ये मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो किस तरह डिफ्रेंशिएट होकर हमारे पास डेंटल पैपिला और डेंटल फॉलिकल जो है वो बनाते हैं। वैसे बाहर तो हमें पता है कि नीचे वाले सेल्स डेंटल पैपिला होंगे और साइड वाले सेल्स डेंटल फॉलिकल बनाएंगे, लेकिन ये भी एक सीरीज मतलब एक उसके डिफ्रेंशिएट होंगे, कंडेंस होंगे, अपनी जगह पर आएंगे, फिर ये एक बाहर तौर पर डेंटल पैपिला कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैप स्टेज।